दे रखी है ना, उन तीन इक्वेशंस का ऐसा करिए, जैसे ये है x माइनस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू वन, तो x का मतलब क्या हो गया 1x। अब इस वाले में x तो है नहीं, तो अपने आप ही लिख देंगे 0x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू वन, और फिर लिखेंगे 3x माइनस टू वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू टू। अब ये जो तीन इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो तीनों के कोफिशिएंट हैं इनको पहली रो में आप लिख दीजिए, मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की, तो 1 माइनस 2 प्लस 2, 0 2 माइनस 3, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स तो ये बन गई, दूसरी मैट्रिक्स आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पर ये मैट्रिक्स ऐसे बनेगी 1 1 2, ये हो गया। तो आप रिकॉल करिए, ये वाली मैट्रिक्स को मैंने क्या बोला था, ए, इस वाली मैट्रिक्स को हमने बोला था एक्स, और इस वाली मैट्रिक्स को हमने बोला था बी। अब हमें इन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है इनको सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन फर्स्ट में आपने 2y को कर दिया, तो वाला कहां से दिखाई देगा सॉल्यूशन, एक मिनट, x और सॉरी ये है x माइनस y, तो 1x माइनस 1 है, माइनस 1 है, ठीक है, बाकी तो ठीक है ना, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, जब ax इज इक्वल टू b है, जब ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो एक्स क्या हो जाएगा, ये ए इधर चला जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये है, ठीक है। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब मुझे इसमें करना क्या होगा, उन्होंने ये बोला है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कि आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, तो क्योंकि ये वाला ऐसा क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं, इस वजह से उसमें प्रोडक्ट में करके दिखाऊंगा इसको, नहीं तो आपको क्या करना होगा एग्जाम में क्या करना होगा वो भी बताऊंगा। देखिए इसका प्रोडक्ट यूज करना है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, गिवन प्रोडक्ट देख लिया कि यहाँ पर है क्या 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4, ये हमारी मैट्रिक्स ए ही तो है, 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4, ये मैट्रिक्स ए ही तो है। तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने आपका काम थोड़ा आसान करने के लिए दे रखा है यहाँ पर कि यूज दिस प्रोडक्ट, अगर ए में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए एक बार करके देख लो, नहीं तो टीचर वहाँ पर ये देखने के लिए नहीं बैठा हुआ कि आपने दिमाग लगा कर उसको कराया या आपने सीधा कर दिया, आप सीधा ही कर देना इसको, तो ये थोड़ी लग रहा है कि भाई आप यहाँ पर कैलकुलेशन आपने करी है या नहीं करी है, ठीक, आप करके देख लो इसको, चाहे तो दिस भाई पहली रो इनटू पहला कॉलम करेंगे तो 1 इनटू -2 -2 -1 इनटू 9 -9 2 6 12, तो 2 6 + 12 हो गया -2 और -9 -11 12 -11 + 1 हो गया, फिर पहली रो इनटू दूसरा कॉलम करके देखो 1 इनटू 0 0 -1 इनटू 2 -2 2 इनटू 1 + 2 आ गया 0, ठीक। तो जब भी कभी आपको ये दे रखा हो कि यूज़ प्रोडक्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो उसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है,
वो जो प्रोडक्ट दे रखा है उसमें अपने आप समझ लेना कि अगर एक मैट्रिक्स ए दे रखी है ना तो दूसरी मैट्रिक्स ए इन्वर्स ही होगी। वो एडजॉइंट निकालने का लफड़ा, वो डिटर्मिनेंट निकालने का पंगा, वो सारा तो खत्म हो गया, पूरा का पूरा ए इन्वर्स इन्होंने दे रखा है। तो आप यहीं से आप कहेंगे कि एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड any matrix multiplied by its inverse any matrix multiplied by its inverse produces a unit matrix of the identity matrix it implies that a inverse is equal to minus 2 0 1 9 आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। उन्होंने बोला ना कि यूज दिस प्रोडक्ट, इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को आपको यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। तो आपने क्या करा, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लिया, करके देख लेना, यही आएगा 100 010 001। तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को, अब ये वाली मैट्रिक्स क्या है, ये तो ए है ना, देख लो हमने इस इक्वेशन से ही देखा कि ये वाली मैट्रिक्स हमारी ए बन गई। तो जब ये मैट्रिक्स ए दे रखी है और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो मैं जानता हूँ कि ए इंटू ए इनवर्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। इसका मतलब जो ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है ये ए इनवर्स दे रखा है, समझ गए, ठीक है। तो जब ये ए इनवर्स दे रखा है तो हो गया ना, ए इनवर्स है ये और बी सही है हमको। तो यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन में आप इस वैल्यू को यूज करें, ये जो ए इनवर्स निकल के आया है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है, -201 -201 -2 -3 6 1 -2, ठीक है। और b कितना आ गया, b है 112 112। देखिए ये क्या है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और ये क्या है 1 2 3 3x1 की। तो इसका मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3x1 ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पहली रो इंटू पहला ही कॉलम, एक ही कॉलम है बस। तो क्या हो जाएगा, -2 × 1 -2 0 × 1 +0 1 × 2 +2 फिर दूसरी रो इंटू पहला ही कॉलम, तो 9 × 1 9 + 2 × 1 2 -3 × 2 -6 तीसरी रो इंटू पहला कॉलम 6 × 1 6 + 1 × 1 1 −2 × 2 −4। अब ये जो x है इसको कैसे लिखेंगे, x y z इज इक्वल टू -2 और +2 कट गया तो ये 0, 9 + 2 11 11 - 6 क्या हो गया 5 6 + 1 7 7 - 4 हो गया 3। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो गए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x y z की ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 33 था। इसके बाद जो 34 है, 34 भी काट दीजिए, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का है। फिर आप मिसलेनियस में आइएगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा आपको। हाँ जी, सर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ, इसमें हमें सर ने इस पे और क्वेश्चंस के इससे रिलेटेड कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और इसकी रेंज, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और इसकी रेंज, अच्छा, और रेंज, ठीक है, कैसे निकलेगी डिटरमिनेंट की। हाँ जी, इस फर्स्ट क्वेश्चन में
मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह बताया क्या? ये तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने क्या बताया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अच्छा चलिए तो ये इसी तरीके का क्वेश्चन होगा जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा होगा ना क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा होगा है ना ऐसा ही होगा कुछ ठीक है बताता हूँ है कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है कोई अभी बताता हूँ अब एक काम करिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर वन आपको करना है इसमें इन्होंने बोला प्रूव दैट द डिटरमिनेंट दिस ये जो डिटरमिनेंट दे रखा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या है कि अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूँगा तो उसमें थीटा वाली कोई टर्म आएगी नहीं थीटा वाली कोई टर्म नहीं आएगी तो इसका मतलब वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ठीक कैसे करेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन है क्वेश्चन वन में जो भी हमको डिटरमिनेंट दे रखा है उसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूँ तो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा कॉस थीटा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स प्लस वन अभी हाँ जी अच्छा वही लेट द सेमेस्टर एंड्स ऑन द न्यू चैप्टर हाँ क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दे दूँगा ये वाले हो गए सारे नहीं नहीं ये मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ ऐसी चीज़ें जो है बाकी बच्चों को थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देते हैं कि हमसे यही नहीं हो रहा है ये देखो ये मुड़ कर देख रही है कि ऐसा कौन बच्चा है माइनस साइन थीटा माइनस एक्स हाँ स्कूल में मना कर दिया होगा पूरा असाइनमेंट दिया होगा शायद नहीं दिया माइनस साइन थीटा माइनस एक्स प्लस वन कॉस थीटा वन और एक्स कॉस थीटा वन और एक्स देखिएगा इसमें क्या करना है उन्होंने बोला कि ये जो डिटरमिनेंट है आपको ये प्रूव करना है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा तो आपकी मर्जी है आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए अगर मैं इसको पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ तो ये साइन इसका प्लस है इसका माइनस है और इसका प्लस है लिख दीजिए एक्सपेंडिंग इट अलॉन्ग रो वन इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो रो वन के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा देखिएगा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्लस का एक्स फिर इसको छोड़ दीजिए इस कॉलम को छोड़ दो इस रो को छोड़ दो माइनस एक्स इनटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन फिर अगला टर्म है माइनस का साइन थीटा अब ब्रैकेट में क्या आएगा इस कॉलम को छोड़ दो इस रो को छोड़ दो माइनस साइन थीटा इंटू एक्स यानी कि माइनस एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा उसके बाद अगला टर्म है प्लस का कॉस थीटा अब क्या करिए ये वाला कॉलम छोड़ दो ये वाला रो छोड़ दो तो माइनस साइन थीटा इंटू वन यानी कि माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा हाँ जी प्लस एक्स कॉस थीटा
x into minus x square हो गया minus x cube, x into minus 1 हो गया minus का x, ठीक है, minus sin theta into minus x sin theta हो गया plus का x sin square theta, और minus sin theta into minus cos theta हो गया plus का sin theta cos theta, फिर cos theta into minus sin theta क्या हो गया minus का sin theta cos theta, और प्लस का cos theta into plus का x cos theta हो गया plus का x cos square theta, अब प्लस का sin theta cos theta और माइनस का sin theta cos theta कैंसिल आउट हो गया, इधर x sin square theta है और x cos square theta है, तो x आ जाएगा कॉमन, तो माइनस x cube माइनस x प्लस x कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा sin square theta प्लस cos square theta, ठीक है, और sin square theta plus cos square theta क्या होता है बताइए, 1 होता है, ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर केवल x बचा, और minus x इसका पहले से ही इंतजार कर रहा है, minus x ने इसको काट दिया, result क्या है, minus x cube, bracket में लिख दीजिए, which is independent of theta, इसमें कहीं पर भी theta है ही नहीं, है। तो यही चीज आपको प्रूव करनी है, हाँ जी, अब लाइन से करते चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, अगर एक्सपेंड करना होता ना तब तो बात अलग थी, विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज यूज करनी है, काट दो इसको, उसके बाद जो है थर्ड वाला करना है, थर्ड वाला, उसके बाद फोर्थ काट दीजिए, प्रॉपर्टीज वाला हुए, हाँ जी, कह दो एंजॉय, अच्छा बोला है क्या करूँ प्रॉपर्टी कुछ नहीं आ रहा सर, सर हमारे सर ने बहुत अच्छे से बोला था, हम डिस्कस करेंगे ना करेंगे ऐसे बोला था, सही है, प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और सिलेबस में है नहीं तो कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहोगे अगर बिल्कुल ही मजबूरी हो गई कि नहीं भाई नहीं मैं तो प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा पेपर में तो फिर बता करवा दूंगा सर, अब वो कई कई स्कूल में टीचर होते हैं करवा देते हैं प्री बोर्ड्स के लिए इंटरनल्स के लिए, चलिए जी इसके बाद जो है कुछ पूछ रहे थे, गर्मी लग रही है तो पानी वानी दो कुछ, अच्छा इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, चल रहा था ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, हाँ सॉल्व द इक्वेशन, तो ये वाला जो है होगा तो ये भी फिफ्थ भी काट दीजिए, एक्चुअली ये मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, चलो फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ मत काटो, क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे फिफ्थ भी करेंगे, सिक्स्थ काट दीजिए और सेवन्थ कर लोगे, भाई इन्होंने बोला है कि ए बी का होल इन्वर्स निकालना है, ए बी का होल इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स मेरे पास है, ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स से ए निकाल लोगे कैसे, बताओ बताओ, ए से इन्वर्स तो निकालना आता है, कोई और तरीका नहीं है, ये बोल रहे हैं कि ए बी का होल इनवर्स निकालना है आपको, चलिए रुकिए बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमको, 9 कौन सा वाला, ए इंटू इनवर्स वाली आइडेंटिटी से निकल तो जाएगा, जैसे ए इंटू ए इनवर्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा दूसरी तरफ ले जाकर, वो दिक्कत होगी, देखता हूँ अभी क्या करना, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 चलो कर लेंगे, अब एक काम करो 11 से लेकर और 15 तक के तो पूरे काट ही देना, कौन सा फिफ्थ, हाँ फिफ्थ करना है, फिफ्थ करवा रहा हूँ, 11 से लेकर 15 तक सारे काट देने, फिर उसके बाद जो 16 है 16 वाला करना है, सेवनटीन भी काट दो क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के ये होगा नहीं,
नहीं नहीं हो पाएगा, बिना प्रॉपर्टी के नहीं होगा। जब तक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है 18 करेंगे 19 करेंगे 18 और 19 करेंगे अच्छा हाँ कर लेंगे इसको अभी कर बता और देख लेता हूँ इसमें इसमें आप क्या करें कि आप इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा पहले क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया है तो जब इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया है तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बस लेकिन हो जाएगा और प्रॉपर्टीज अगर हमने कर रखी होती तो शॉर्ट हो जाता क्वेश्चन 3 देखिएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा फिर माइनस साइन अल्फा फिर दूसरी रो में दिया है माइनस साइन बीटा कॉस बीटा जीरो साइन बीटा कॉस बीटा जीरो और फिर है साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। अब फिर वही है कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अराउंड कर लो, मन में ये आ रहा होगा कि इसको इसके अराउंड कर लूँ या इसके अराउंड कर लूँ, उससे भी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हाँ ठीक है, एक टर्म थोड़ा सा आसान हो जाएगा लेकिन ये जीरो मेरी बाकी जगह भी हेल्प करेगा। तो आप ये देखो किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अराउंड एक्सपेंड कर लो, माइनस प्लस ये वाला होता है माइनस, ये वाला होता है प्लस और ये वाला होता है माइनस। तो ये पहला टर्म आ गया माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस साइन बीटा यानी कि प्लस का साइन बीटा, प्लस साइन बीटा। अब क्या करना है कि ये वाली रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, नहीं समझे? देखिएगा हमने क्या करा कि ये वाला रो छोड़ दिया और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास 1 2 3 4 ये टर्म्स, ये टर्म्स बची कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस ये वाला भी है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा। ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ दोबारा बताता हूँ,
हमने कहा कि इसको रो टू के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो टू के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला टर्म माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तीसरा माइनस का है। तो अगर मैं पहले वाले टर्म की बात करूँ तो ये है माइनस ऑफ माइनस साइन बीटा, तो प्लस साइन बीटा हो गया। फिर इसकी रो छोड़ दी और इसका कॉलम छोड़ दिया जिसमें ये पहला एलिमेंट लाई कर रहा है, ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया। तो एक दो तीन चार, ये चार टर्म्स बचे, कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन लगाते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस बना देगा उसको, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा विद अ प्लस साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद अब ये देख रहे हैं अगला टर्म देखेंगे, ये है प्लस का कॉस बीटा, प्लस का कॉस बीटा, तो प्लस का कॉस बीटा यहाँ लाई कर रहा है, तो आप क्या करिए, ये वाला रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। हमने क्या करा था, ये वाला रो छोड़ दिया, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, और अगला टर्म है माइनस का जीरो। अब जीरो इंटू एनीथिंग कुछ भी करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये खत्म करो, इसको छोड़ो, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, चले आगे। अब देखिएगा यहाँ पर साइन बीटा है और फिर क्या करो, इधर भी साइन बीटा इधर भी साइन बीटा है, तो साइन बीटा कॉमन निकाल लो भाई, अंदर ये दो टर्म्स ऐड हो रही है ना, इधर भी साइन बीटा इधर भी साइन बीटा है, तो कॉमन निकाल लो, तो ये साइन बीटा और आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अगला टर्म है कॉस बीटा, और इधर देखिए इस ब्रैकेट में कॉस बीटा इधर भी है, कॉस बीटा इधर भी है, तो कॉस बीटा बाहर निकाल दो, ये हो गया कॉस बीटा, इधर अगेन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, वन, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट बन, ये पूरा ब्रैकेट बन, साइन बीटा इंटू साइन बीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर बीटा इंटू वन, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू वन, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये भी वन होता है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई वन, ठीक है, इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई वन। अब इसके बाद देखेंगे फोर्थ हमने काट दिया था है ना, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए इक्वेशन सॉल्व कर दी है, सॉल्व दिस इक्वेशन, मतलब ये तो आपका डिटरमिनेंट, लेकिन उस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे ना तो एक इक्वेशन बन जाएगी, तो वो कह रहे हैं कि आप इक्वेशन सॉल्व करें, सॉल्व द इक्वेशन, और यहाँ इन्होंने बोला भी है ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, कि ए कोई कांस्टेंट है क्योंकि जीरो के बराबर नहीं है, तो जब इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पर अननोन वेरिएबल एक्स दे रखा है, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखिएगा एक्स प्लस ए एक्स एक्स पहला रो, एक्स प्लस ए एक्स एक्स, फिर एक्स एक्स प्लस ए एक्स, इधर है एक्स, इधर है एक्स प्लस ए और इधर है एक्स, और फिर है एक्स 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 प्लस ए, x x x plus a is equal to zero, ये अब आपका जो भी रो या जो भी कॉलम लेना है ले लीजिए, एक्सपेंड कर दो इसको, एक्सपेंड में दबाओ रो वन, एक्सपेंड कर दो रो वन, रो वन के अराउंड एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है।
यार तुम मजाक ही सोच रहे। बता दो भाई तुम्हें एट क्लास का बोल रहा बताओ कुछ बोल नहीं रहे मैं क्या बोलूँ क्या चलिए जी अब देखिएगा कि इसको रो वन के अराउंड एक्सपेंड कर दीजिए तो रो वन के अराउंड जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला हमारा टर्म हो गया प्लस का ये वाला टर्म हो गया माइनस का और ये वाला टर्म हो गया तो एक्स प्लस एट ये वाली रो छोड़ दो ये वाला कॉलम छोड़ दो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस तो x + a का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x + a का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये हो गया फिर माइनस x है माइनस x तो ये वाला कॉलम छोड़ दो ये वाला रो छोड़ दो x * x + a माइनस x स्क्वायर अगला टर्म प्लस का एक्स सब ये वाला कॉलम छोड़ दो ये वाला रो छोड़ दो एक्स इनटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इनटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे ना तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक बार ना दिमाग में ये आता है कि मैं पहले सबको एक्सपेंड कर दूँ है ना लेकिन सुनिए इसमें ना मुझे एक चीज़ और नज़र आती है कि x प्लस ए है जैसे यहाँ पर अच्छा इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर एक x प्लस ए वाली टर्म आएगी यहाँ पर एक x प्लस ए वाली टर्म आएगी तो क्यों ना x प्लस ए को बाहर ले लें कॉमन तो इसलिए एक्सपेंड करने में फ़ायदा नहीं होगा बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी फिर उसके फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आएगी तो इसको एक्सपेंड अभी मत करो आप क्या करो पहले वाला टर्म तो एज इट इज रहने दो ये वाला टर्म मैंने एज इट इज छोड़ दिया x प्लस ए और ब्रैकेट में है x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है या फिर एक काम कर सकता था ना ब्रैकेट को एक्सपेंड कर सकता था ब्रैकेट को कर दो अंदर जो है ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स ए और माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा मैंने क्यों करा क्योंकि मुझे दिख रहा था एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ठीक है उसके बाद अगला टर्म देखिए तो ये माइनस एक्स इंटू एक्स यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस का एक्स क्यूब ठीक है इसको ऐसे छोड़िए क्लियर है तक सही है उसके बाद फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया प्लस का एक्स क्यूब और एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस ए तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए और इज इक्वल टू जीरो अब मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि एक टर्म तो ये है जिसमें एक्स प्लस ए है एक टर्म ये है जिसमें एक्स प्लस ए और एक टर्म ये है जिसमें एक्स प्लस ए तो एक्स प्लस ए कॉमन निकाला जा सकता है इनमें से और बाकी के ये जो टू एक्स क्यूब है इसको अलग कर दीजिए तो ऐसा करेंगे कि एक्स प्लस ए अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर देखिएगा क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस टू एक्स ए यहाँ से x प्लस ए कॉमन लिया है तो ये क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर फिर इधर से भी x प्लस ए कॉमन लिया तो एक और माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया ठीक है और फिर ये एक्स क्यूब ये अलग हो गया तो इसको कह दीजिए प्लस का टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो यहाँ तक समझ गए यहाँ तक क्लियर है अब आप ये देखिएगा कि और इसमें अब क्या करा जा सकता है कि x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा अगर एक एक्स स्क्वायर इसमें ऐड कर लूँ तो एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर बनेगा लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा और ए
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर एक साथ ले रहे तो ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, यहाँ से एक्स निकलेगा बाहर, चलिए इसको लिखिएगा ऐसे ए स्क्वायर प्लस टू एक्स ए माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब जरा सोचें कि इसमें और क्या किया जा सकता है, मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, एक्सपेंड करेंगे तो एक्स प्लस ए तो है यहाँ पर, एक्स प्लस ए अगर मिल जाए अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बन जाएगा, उधर हमारे पास टू एक्स क्यूब है। माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस ए, मतलब माइनस एक्स को एक्स इंटू एक्स प्लस ए में मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा तो प्लस का एक्स क्यूब, फिर अगला टर्म एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करा तो प्लस का एक्स क्यूब, और एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस ए तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए, ये पूरा एक्सपेंड कर दिया। कुछ आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, ठीक है अभी देखता हूँ रिजल्ट क्या आ रहा है बताओ। चलिए और पीछे आंसर यही है, यस तो ठीक है पूरा एक्सपेंड करा होगा, तो एक काम करते हैं आप एक्सपेंड ही कर देते हैं, एक्सपेंड करिए इसको एक्स इनटू ए स्क्वायर, हां वो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर नीचे इधर देखिए, ये हमारे पास ठीक तो है, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे, बोलो बोलो सही तो है। चलिए करते हैं इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा तो इसको इसमें बनेंगे प्लस टू एक्स स्क्वायर ए और माइनस का टू एक्स क्यूब, ठीक है उसके बाद जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए क्यूब और प्लस का टू एक्स ए स्क्वायर, टू एक्स ए स्क्वायर और फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर ए और प्लस का टू एक्स क्यूब लास्ट में था, प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब कट गया, प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कट गया और इसके बाद हमारा एक्स ए स्क्वायर प्लस टू एक्स ए स्क्वायर हो गया थ्री एक्स ए स्क्वायर और प्लस का ए क्यूब, यही आ रहा है ना। अब क्योंकि मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसमें से ए स्क्वायर को तो कॉमन ले सकता हूँ, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बचा थ्री एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर जीरो के नीचे जाकर जीरो हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो आ गया तो x की वैल्यू आ गई माइनस ए अपॉन थ्री, एक्स की वैल्यू चलो आ गया ना, ठीक है। चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो आपका डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से होगा, उसको छोड़िए क्वेश्चन नंबर सेवन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में ए इनवर्स दे रखा है एक तरफ और एक तरफ दे रखा है बी, तो इसको किस तरीके से करें, ए बी का होल इनवर्स हमको निकालना है, ये मैं डाल रहा हूँ अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए
इनटू एडजॉइंट है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ए इनवर्स की वैल्यू है, तो ए इनवर्स हमें दे रखा है 3-1 -15, 6, -5 -15, 6, -5 और 5 -2, 2 तो ये हमारे पास ए इनवर्स दे रखा है। इसके बाद मैं कैसे करके इससे ए निकालूं, क्योंकि मेरे को इन्होंने पूछा है कि आपको ए बी का इनवर्स निकालना है। अब जो ए बी का इनवर्स है, ए बी का इनवर्स कैसे निकलेगा, 1/determinant of AB इंटू एडजॉइंट ए बी, ये करना है। तो एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए भी पहले ए और बी को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक नई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो अब मेरे पास ए आना जरूरी है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, याद है, ठीक है, तो कर लेंगे फिर, छोड़ दो, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए इज इक्वल टू, तो ये एक बार ना मेरे को बता देना कि 8 में मैट्रिक्स क्या दे रखी है, क्योंकि ना 1 में और 2 में कुछ गैप ज़्यादा है, तो कहीं माइनस टू मिसिंग तो नहीं है पहले एक क्वेश्चन की तरह, क्या दे रखा है, 1-2 है ना, ये देखो ये 1 और ये 2 का लाइन नहीं है, बीच में गैप छोड़ रखा है, तो मुझे लग रहा है -2 है और फिर -2, 3, 1 है और फिर 1, 1, 5 है, ये -1 है, पेन देना, अरे ये इसमें है ही गड़बड़, मुझे लग रहा है किसी ने मेरे को पायरेटेड वर्जन दे दिया, पायरेसी बहुत आती है बुक्स में, पता है कि नहीं, अब मैं क्या, जब आगे ग्रेजुएशन में पहुँचेंगे ना, तो चाहे इंजीनियरिंग में चले जाओ चाहे मेडिकल में चले जाओ, तो वहाँ पर बुक्स जो हैं वो बहुत महंगी महंगी आती है, तो उसका चांदनी चौक में तो ये काम ही होता है कि उसकी फोटोकॉपी निकाल कर और उसकी बाइंडिंग वाइंडिंग करके और बिल्कुल वैसे ही निकाल कर दे देंगे, कि वैसे 12,000 की है और 4,000 की दे देंगे, ऐसे इतनी महंगी महंगी बुक्स भी आती हैं, ये तो क्या, पर एनसीईआरटी में किसी को पायरेसी करके क्या बच रहा होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ए इज इक्वल टू, तुम्हारे को भी नहीं है क्या माइनस, हाँ तो भाई सेम तो काम से करेंगे दोनों, 1-2, 1, 1-2, 1, -2, 3, 1 और 1, 1, 5 को वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट तो ए निकालने के बाद उसका अगर मैं इनवर्स निकालता हूँ तो वो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर है, नहीं समझे, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए का पूरे का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सिर्फ मैट्रिक्स ही होता है, नीचे वो एडजॉइंट ए जो है, एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स आएगी, एक मैट्रिक्स आएगी उसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, और फिर क्या करना है कि ए इनवर्स जो है जो मैट्रिक्स आएगी उसका एडजॉइंट निकालो, तो दोनों इक्वल आने चाहिए, ए इनवर्स का एडजॉइंट मतलब ए इनवर्स को मान लो ना कि एक मैट्रिक्स है, ए इनवर्स को एक मैट्रिक्स मान लो, उसका इनवर्स निकालना, उसका एडजॉइंट निकालना, सॉरी ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना, देखो ए इनवर्स पहले आप क्या करोगे, अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें आप ये देखिएगा को फैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे दोगे तो एडजॉइंट ए आ गया, और वो जो एडजॉइंट ए आएगा उसका इनवर्स लेना, मतलब वो जो एडजॉइंट ए आया उसको एक नई मैट्रिक्स मान लो बी मान लो, उसका अब उसका डिटरमिनेंट निकालो, उसका एडजॉइंट निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तब निकलेगा जाकर एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, समझ गए कि नहीं, नहीं मुश्किल लग रहा है,
उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, हो जाएगा ये भी ठीक है। चलिए तो अब ये वाला फॉर्मूला ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ये कहाँ पढ़ा है आप सब लोग? मैट्रिसेस में पढ़ा था क्या? ट्रांसपोज का होता है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपकी समझदारी पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, और सारे एक सुर में हाँ ये ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है, ये क्या उल्टी गंगा कह रही है यहाँ पर? बी इनवर्स ए इनवर्स से करवा दिया, पता नहीं मुझे कौन सा मेथड है, कहीं नहीं दे रखा। सुनिएगा, अगर मान लीजिए ए है ना, तो ए इनवर्स है, ए इनवर्स का मतलब क्या है? ए का रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल। तो ए का रेसिप्रोकल अगर मेरे पास है और हमसे कोई कहे कि नहीं मैं इसका भी इनवर्स निकालूँ, तो वो ए आ जाएगा। जो ए इनवर्स दे रखा है उससे उसका आप क्या करना है, उसका इनवर्स निकाल। तो ये जो मैट्रिक्स दे रखी थी ना यहाँ पर, ये ए इनवर्स वाली, इसका इनवर्स निकाल दीजिए। तो इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ए ही तो आ जाएगा, ठीक है। इसका इनवर्स कैसे निकालोगे? पहले इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो वो ए इनवर्स का इनवर्स यानी कि ए आ जाएगा। ए को बी में मल्टीप्लाई करो, ए बी आ गया, फिर ए बी का डिटर्मिनेंट, फिर ए बी का एडजॉइंट, वो करना। स्कूल में पक्का ही बताया, कहीं कन्फ्यूज तो नहीं हो? ट्रांसपोज वाला होगा बेटा, ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। और ये जो है, ये तो फॉर्मूला है ही नहीं, मैंने अभी अभी चेक भी कराया है, मैंने अभी अभी चेक भी कराया कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल नहीं होता। फिर भी एक काम करेंगे, करके देख लेंगे, एक बार करके देख लेंगे, लेकिन ये ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है, हमने इनवर्स भी नहीं कराया कोई फॉर्मूला, समझ गए? तो फिर करिएगा भाई इसको मिसलेनियस में। मैंने जो जो काटना है एक्सरसाइज, जो जो क्वेश्चन काटते थे वो बता दिए आपको, उसके अलावा सारे करिएगा। और नेक्स्ट मेरे को बता दो फिर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करूँ सर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आसान है, तो काफ़ी आसान, वो मैंने यही सोचा होगा कि पहले आसान वाला क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट टू में है, पार्ट टू में है, वो करवाया सर, चलिए मैं करवा दूँगा लीनियर। और लीनियर अभी समझ में भी आ रहा होगा, ग्राफिकल वाला है बड़ा आसान क्वेश्चन, फिर भी बता दूंगा। लेकिन मेन बैच में मैं सोच रहा हूँ इनवर्स ही करा दूँ स्टार्ट। आपके में फिफ्थ कौन सा? डिफरेंशिएशन वाला है ना, तो ये दो या तीन क्लासेस में हो जाएगा, इनवर्स भी हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैं बताऊँगा, बहुत कम बहुत कम बहुत कम। भाई मैंने 29 फॉर्मूले दिए थे, बस शीट बनाकर दी थी, वो तो याद करना ही पड़ेगा, उसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए करने ही पड़ेंगे। चलो ठीक है।